गुड आफ्टरनून एवरीवन, और आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज संडे का दिन है और मैं हूं अभी मलिताल प्लेग्राउंड, और यहां पे देखें तो बारिश का मौसम है। नैनीताल में मॉनसून चल रहा है, और ऐसे मौसम में मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग नैनीताल में इस समय ट्रैवल करें। तो कुछ समय रुक जाएँ, या मौसम के अनुसार आप न्यूज़ से अपडेट लेते हुए अपनी जर्नी को करें। और आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और देखते हैं संडे में क्या कुछ गतिविधियां चलनी है मलिताल क्षेत्र में। और देखें सामने ही यहां से रोप वे जा रही है ऊपर की तरफ स्नो व्यू, और आज के समय जो कि है माउंटेन में कोहरा छाया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, और बड़ी तेज़ हवाएँ हैं आज सुबह से ही। तो मैं इधर की तरफ दिखाता हूँ आपको पेड़, तो आपको अनुमान लगेगा कि किस तरह की हवाएँ चल रही हैं। और ये देखें भगवान श्री राम की जो कि ध्वजा है वो कितनी तेज़ी से लहरा रही है। और देखें ऐसे मौसम में, बारिशों के मौसम में ख़ास कर ध्यान रखें, बिजली के पोलों को ना छुएं, और इन चीज़ों से बड़ा सावधान रहें, और अपनी फैमिली बच्चों का ध्यान रखें। देखें तो आइए चलते हैं इधर की तरफ, इधर है बैंड स्टैंड, और कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो ये देखिए इतनी तेज़ हवाएं अभी चल रही हैं, तो मैं इस तरफ ही रुक गया हूँ। अभी जब थोड़ी सी हवाएं कम होंगी तब मैं इस तरफ कंटिन्यू करूँगा अपनी जर्नी। तो आके हम इस तरफ वीडियो गेम पार्लर की तरफ, यहाँ पे देखें ये बर्ड्स बैठी हुई थी, और इधर से देखें लेक का कुछ ऐसा व्यू है। और अभी के समय देखें यहाँ पे कितनी नौकाएं चल रही है लेक में। तो आइए इधर की तरफ लेके चलता हूँ आपको नीचे, वहाँ से दिखाता हूँ। तो देखें ये हैं टिकट बोट्स के, और आइए नीचे बोट रैंप की तरफ आ गए हम। और ये देखें यहाँ पे, और कुछ इतने लोग अभी के समय नौकायन कर रहे हैं। और ये जो बोट स्टैंड है जूमलैंड की तरफ, ये पैडल बोट स्टैंड है, और यहाँ पे देखें पैडल बोट्स आपको अवेलेबल रहती हैं यहाँ से। और इधर से रोइंग बोट में लोग जो कि हैं नौकायन कर रहे हैं। और देखें ये है रिक्शा, यहाँ पे ये रिक्शा स्टैंड पीछे की तरफ ये रिक्शे खड़े होते हैं, और ये बहुत पुराने रिक्शा हैं नैनीताल में, तो पहले से रिक्शा यही ऑपरेट होता था शहर में। तो ये देखें, और आइए व्यूवर्स हम आ गए हैं मलिताल बोट स्टैंड की तरफ, और आइए जल्दी से मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितना कुछ पर्यटक सैलानी है अभी के समय। तो ये देखें यहाँ से, तो कुछ इतने लोग अभी के समय यहाँ बोटिंग के लिए आए हैं, और सामने हैं पैडल, माफ़ कीजिएगा, रोइंग बोट टिकट काउंटर, और इधर की तरफ होती है बोटिंग, और यहाँ से टिकट्स ले करके। तो कुछ ये रेट एंड प्राइजेस है टिकट्स का, तो आप सामने की तरफ देख सकते हैं, और यहाँ से देखें, और यहाँ से आप लोग जाएंगे बोटिंग्स के लिए। और अभी के समय कुछ इतने पर्यटक सैलानी देखें यहाँ पे जो नौकायन के लिए जा रहे हैं, और ये देखें, और यहाँ से सामने की तरफ देखें तो ये है बैंड स्टैंड, और इधर से देखें लेक का दृश्य कुछ ऐसा है। और ये व्यूवर्स हम आ गए हैं ठंडी सड़क स्थित बोट स्टैंड पे, और बोट स्टैंड के रैंप से कुछ ऐसा दृश्य है श्री माँ नैना देवी जी के मंदिर का। और आज संडे का दिन है, तो देखें तो कितने सारे भक्त श्रद्धालुगण आज के दिन भगवान जी के दर्शन के लिए आए हैं मंदिर में। और सामने ही भगवान श्री भोलेनाथ जी का शिवलिंग स्थित है, तो ये देखें। और आइए इस तरफ अपोजिट में एक पार्क है, और यहाँ से नैनी झील का बहुत ही सुंदर दृश्य है, और जस्ट हमारे बगल में ही यहाँ पे ठंडी सड़क रोड स्थित है इधर की तरफ। और यहाँ से अभी के समय व्यू देखें तो कुछ ऐसा ये दृश्य है, और जो कि है पहाड़ में कोहरा चल रहा है, अभी जस्ट वर्षा शुरू ही हो गई थी, मगर देखें तो बारिश अभी थम गई है, तो हवाएं चल रही हैं इस वजह से बारिश नहीं हुई। तो आइए चलते हैं कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। और देखें बोट्समैन जो कि हैं बोट में से पानी निकालने का काम कर रहे हैं, और आजकल बारिशों में तो बोट्स में ज़्यादा ही पानी भर जाता है, तो ये बड़ी मेहनत का काम होता है। तो ये देखें, और इस तरफ आ गए हैं हम, ठंडी सड़क का ही रास्ता है, तो ये देखें ऊपर रोड, ये है ठंडी सड़क नैनीताल, और यहाँ से लेक का बहुत ही अमेजिंग व्यू है।
तो ये देखें लगभग सभी ही बोट्समैन अपनी बोट्स में लगे हुए हैं मेहनत में और पानी निकालने के लिए। और आइए चलते हैं आगे की तरफ। सो व्यूवर्स, लेट्स एंड अप दिस वीडियो। और ये था छोटा सा वीडियो नैनीताल से वेदर अपडेट के लिए। और देखिए, मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। तो बारिशों में जो कि है ट्रैवल थोड़ा सा अवॉइड करें। आजकल जैसे कि ये पीक सीज़न चल रहा है मानसून का, ऐसे में काफ़ी भारी वर्षाएं होती हैं जो कि कई जगह पे लैंडस्लाइड का और इन चीज़ों का जो कि कारण बन जाती है। तो आप देखिए अवेयरनेस के साथ आप लोग ट्रैवल कीजिए। आप लोग अगर नैनीताल आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अगर पोस्टपोन कर सकते हैं तो आप वेल एंड गुड है, और नहीं तो आप लोग वेदर न्यूज़ और लोकल न्यूज़ के ज़रिए आप लोग वेदर से अपडेट रहिए, और प्लेस टू प्लेस जहां आपको ट्रैवल करना है उन प्लेसेस के बारे में जानकारी आप रखिए। तो चलिए, बहुत जल्द मिलूंगा नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन।